नमस्कार। भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार दिलीप कुमार के निधन से भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को गहरा झटका लगा है। तमाम हस्तियां उन्हें श्रद्धांजलि दे रही हैं। दिलीप कुमार के साथ काम करने वाले तमाम कलाकार उन्हें याद करके भावुक हो रहे हैं। ऐसे में भारतीय सिनेमा के लेजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर ने दिलीप कुमार को याद करके बेहद इमोशनल ट्वीट किया। लता जी दिलीप कुमार को अपना भाई मानती थी और उन्हें राखी बांधती थी। दिलीप कुमार की कई फिल्मों के गानों के लिए लता ने आवाज दी थी। लता ने अपने ट्वीट में लिखा, यूसुफ भाई आज अपनी छोटी सी बहन को छोड़कर चले गए। यूसुफ भाई क्या गए, एक युग का अंत हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं बहुत दुखी हूँ, निशब्द हूँ। कई बातें कई यादें हमें देकर चले गए। लता मंगेशकर हर साल दिलीप कुमार के जन्मदिन पर उन्हें बधाई देती थी। पिछले साल 11 दिसंबर को लता ने ट्वीट किया था, आज मेरे भाई दिलीप कुमार जी का जन्मदिन है, मैं उनको बधाई देती हूँ और ये प्रार्थना करती हूँ कि उनकी सेहत अच्छी रहे। वहीं 2019 में जब लता मंगेशकर की तबीयत बिगड़ने के चलते अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था, तब उनकी वापसी पर दिलीप कुमार ने ट्वीट करके खुशी जताई थी। ट्वीट में लिखा गया था, ये सुनकर काफ़ी खुश हूँ कि मेरी छोटी बहन लता ठीक है और घर वापस आ गई है, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। इस तस्वीर में सायरा बानो भी दिलीप कुमार और लता के साथ मुस्कुराते हुए दिख रही हैं। बता दें, एक्टर के जाने से पूरी फिल्म इंडस्ट्री सदमे में है। सलमान से लेकर शाहरुख, अजय से लेकर अक्षय, सभी बड़े कलाकार एक्टर के निधन पर दुख व्यक्त कर रहे हैं। दिलीप कुमार के जाने से आज एक युग का अंत हो गया है।